दोस्तों मुझे ना एक कमाल की सेटिंग के बारे में पता चला है, जिसे ऑन करने के बाद ना आपके फोन में कोई भी गेम लैग नहीं करेगा। मतलब कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ले लो, कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, फ्री फायर ले लो, कोई भी गेम हो गया गाइस, आपके डिवाइस में कभी भी लैग नहीं करेगा अगर ये सेटिंग ऑन करके खेलोगे। इसके लिए कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड करना, बस आपके फोन में एक सेटिंग है गाइस जिसे आपको ऑन करना है एंड कुछ नहीं करना है। तो कौन सी सेटिंग है आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक कर देना। सो गाइस आइए मैं आपको उस सीक्रेट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, जिसे ऑन करने के बाद जब भी दोस्तों आप हैवी से हैवी गेम खेलोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल गेम लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा। कैसे आप उस सेटिंग को ऑन करोगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हम अपने फ़ोन का जो सेटिंग होता है इसे ऑन कर लेते हैं। सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च करना है अबाउट फोन। अबाउट फोन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा या फिर कई फोन में ऊपर होता है, तो मेरे फोन में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हो अबाउट फोन, एंड ये सभी स्मार्टफोन में होता है। तो सिंपली आपको इसके अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे दोस्तों एक बिल्ड नंबर की सेटिंग होती है, तो इसे दोस्तों आपको 7 times टैप करके ऑन कर देना है ताकि आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है या फिर जो मेन सेटिंग है ये ऑन हो जाए। इसे जरूर से जरूर आपको करनी है। तो यहाँ से करने के बाद आप इसे बैक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली वापिस से सेटिंग में आ जाओ। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होगा मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आपको ऑन करना है। या फिर अगर आपके पास रेडमी या फिर शाओमी का डिवाइस है तो वहां पे दोस्तों आपको MIUI वर्जन पे 7 times टैप करना होगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो डेवलपर ऑप्शन में हम आ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आपको यहां से इसे ऑन रखना है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आओगे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो सेटिंग देखने को मिल जाती है। ओके सो यहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर ही आप देख सकते हो ये एक सेटिंग होता है जिसका नेम है गेम ड्राइवर। एंड ये गेम ड्राइवर जो सेटिंग है गाइस ये एंड्रॉयड 9 से ऊपर जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं सभी में देखने को मिलती है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 से कम की चीज है, कम की फोन है, तो दोस्तों शायद आपके फोन में ये सेटिंग ना मिले, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको यहाँ से ऑन कर लेना है गेम ड्राइवर। इसे मैंने पहले से ही ऑन कर रखा है, आपके फोन में हो सकता है ये जो गेम ड्राइवर है ये बंद हो, तो इसे आपको फाइनली ऑन करना है। एंड कई लोग दोस्तों इसे एनेबल फॉर ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करके ये जो ऑन होता है इसे भी ऑन करके रखते हैं, तो दोस्तों ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो एनेबल फॉर ऑल एप्स होता है इसे हमेशा बंद करके रखना है। सिंपली ये जो पहला स्टेप दिख रहा है इसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको जो सेकेंड एंड मेन स्टेप होता है उससे करना है, वो क्या चीज है, वो ये है कि गाइस यहां पे आपके सभी एप्लीकेशन दिखाई देंगे, तो यहां पे आपको वो गेम सेलेक्ट करना है जिस गेम को आप खेलते हो तो आपका गेम लैग होता है। तो मेरा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं एंड ये बाय डिफॉल्ट पे होता है, तो इसे आपको गेम ड्राइवर पे क्लिक करना है। देख सकते हो मैंने इसे गेम ड्राइवर पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, आपका जो गेम है वो एक बोल सकते हो ड्राइवर के ऊपर चलेगा एंड जो आपका बोल सकते हो प्रोसेसर या फिर सिस्टम है वो उसे काफी चलाएगा। तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे ध्यान से करनी है। यहाँ पे आपने देख लिया कैसे मैंने किया, काफी सिंपल है गाइस। बस डेवलपर ऑप्शन में आना है, गेम ड्राइवर में आना है एंड यहाँ से इसे ऑन करना है। एंड ये जो एनेबल फॉर ऑल एप्स होता है इसे बंद रखना है। एंड आपका जो गेम है यहाँ से जितने भी आप गेम खेलते हो सभी पे आपको क्लिक करना है। एंड ये जो गेम ड्राइवर है इसके ऊपर क्लिक करना है, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर के ऊपर क्लिक नहीं करना है, गेम ड्राइवर के ऊपर क्लिक करके रखना है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग और करनी है। नीचे जब आप आओगे मैं आपको दिखा देता हूं वो सेटिंग। यहां पे आप देख सकते हो फोर्स 4X MS AA, ये आप देख सकते हो ये सेटिंग, आपको इसे भी ऑन कर देनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपको सेटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों आपका जो गेम है ना वो एकदम स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी दिक्कत बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड आपका गेम कैसा चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इससे आपके गेम मतलब स्मूथ चलने लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।